वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एस्केप फ्रॉम युगांडा। तो मूवी की शुरुआत में हम शिखा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने शॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे उसके पति सैमुअल का कॉल आता है। कहता है कि तुम घर कब आओगी। वो भी कह देती है कि टाइम लगेगा, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों शिखा अपनी शॉप बंद करके घर के लिए निकल जाती है। एंड जब वो टैक्सी से घर जा रही होती है तो वो देखती है कि टैक्सी ड्राइवर काफी समय से उसे घूर रहा है। टैक्सी से कुछ देर के बाद वो घर तो पहुंच जाती है, पर तभी हम शिखा के घर में गोली चलने की आवाज को सुनते हैं। यहाँ से सीन होता है शिफ्ट और हम सैमुअल को देखते हैं, जो अपनी बेटी मीना के साथ युगांडा में रहने आया है। और दोस्तों युगांडा शहर सैमुअल के लिए पूरी तरह से नई जगह होती है। सुबह के टाइम वो अपनी बेटी मीना को स्कूल के लिए तैयार करता है। तैयार होने के बाद वो स्कूल चली जाती है। इसके बाद हम सैमुअल के खास फ्रेंड फिरोज खान को देखते हैं। वो दोस्तों काफी समय से युगांडा में रह रहा था और साथ ही साथ फिरोज एक बहुत मशहूर एडवोकेट भी था। वो सैमुअल से जाके मिलता है, उससे कहता है कि तुम युगांडा में नए हो और साथ ही साथ मीना का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सैमुअल की पहली वाइफ मर चुकी थी और तब से सैमुअल अकेला अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए आया है। फिरोज की बातों को सुनकर उसको भी लगता है कि हाँ, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्ची का ख्याल रखने के लिए कोई और हो जाए, ताकि बच्ची को उसकी माँ मिल जाए। अब रात के समय सैमुअल अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है। कहानी सुनाने के बाद मीना तो सो जाती है, लेकिन साथ ही साथ सैमुअल को इस बात की टेंशन होती है कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो जो दूसरी बीवी आएगी वो इसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी या फिर नहीं। अब अगले दिन की बात है, फिरोज सैमुअल को शिखा नाम की लड़की से मिलाता है और वहाँ सैमुअल शिखा से कहता है कि पहली वाइफ के मरने के बाद मैंने अकेले ही मीना का ध्यान रखा है, और क्या तुम मीना का अच्छे से ध्यान रख पाओगी। शिखा भी कह देती है कि मुझे पहली नजर में तुम पसंद आ गए थे और मैं मीना का क्या, तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो ये भी कहती है कि मेरा एक सपना है कि आगे चल के मैं अपने कपड़ों का एक दुकान खोलूं। तभी फिरोज उन दोनों से कह देता है कि हाँ, मेरा गौतम नाम का एक फ्रेंड है और गौतम तुम्हें शॉप खोलने में मदद कर सकता है, उससे अगर कुछ पैसे उधार मांगोगी तो वो भी दे देगा। अगली सुबह की बात है दोस्तों, सैमुअल शहर में गौतम के ऑफिस को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक आदमी से गौतम के ऑफिस का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी चोरी से सैमुअल का पर्स चुरा लेता है और वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। सैमुअल काफी कोशिश करता है लेकिन उस आदमी को पकड़ नहीं पाता, और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे गौतम का ऑफिस मिल जाता है। वहाँ वो उससे कुछ पैसे उधार मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही चुका दूंगा। गौतम भी कह देता है कि पैसों की टेंशन मत लो, मैं अपने देश के लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पर सैमुअल भी जल्दी से शिखा के पास आकर बताता है कि हम लोग बहुत ही जल्द अपने कपड़ों का शोरूम ओपन करने वाले हैं। ये सुनकर शिखा अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है और कह देती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहाँ शिखा को अपनी फ्रेंड एंजल मिलती है। एंजल एक फैशन डिजाइनर है दोस्तों, और दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बड़ी खुश होती हैं। साथ ही साथ वो सैमुअल का भी इंट्रोडक्शन कराती है कि ये मेरे पति हैं, और हाँ, मैं कपड़ों की दुकान खोल रही हूँ तो तुम मुझे अच्छे डिजाइनिंग कपड़े बनाकर देना, ठीक है। एंजल कहती है हाँ, मैं तुम्हारी शॉप के लिए जरूर डिजाइनिंग करूंगी। आगे दोस्तों वो शिखा को अपनी नई फ्रेंड ऑड्रा से मिलाती है, और ऑड्रा इस शहर की मेयर की बेटी थी। इसके बाद रात के समय शिखा और सैमुअल एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ सैमुअल और शिखा एक दूसरे से वादा करते हैं कि किसी भी मुसीबत में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करने लगते हैं और ज्यादातर दोनों समय साथ में बिताते हैं। कुछ समय के बाद शिखा की शॉप ओपन हो जाती है और सभी लोग अंदर से बड़े खुश होते हैं। दूसरी ओर मीना भी शिखा से काफी घुल मिल जाती है। शिखा भी मीना को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। अब एक दिन की बात है, एंजल कैसीनो में जुआ खेल रही होती है। वो देखती है कि कोई आदमी ना एक औरत को डायमंड्स दे रहा है। एंजल की नजर दोस्तों डायमंड पर होती है, और वो ऐसा प्लान करती है कि उस औरत से वो डायमंड्स चुरा भी लेती है। उनको चुराने के बाद एंजल सीधा शिखा के पास आती है और उससे झूठ कहती है कि मेरे पास कुछ नकली डायमंड्स हैं और क्या तुम मेरे नए कपड़ों में ये डायमंड्स लगा सकती हो। शिखा भी एंजल से वो डायमंड्स लेकर उसके नए कपड़ों में लगाने लग जाती है। कहां, शिखा तो दोस्तों इस बात से अनजान थी कि वो डायमंड्स नकली हैं। अब रात के समय वो अपनी शॉप को बंद करके घर जा रही होती है। दोस्तों ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब जब शिखा घर जा रही होती है ना, तभी उसे किसी की गोली चलने की आवाज आती है, और गोली की आवाज उसके पीछे से आती है। तब उसे पता चलता है कि एक आदमी ने एंजल और ऑड्रा को गोली मार दिया है। ये सब देखकर शिखा की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागते हुए एंजल के पास जाती है। वहाँ मरने से पहले एंजल शिखा से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। शिखा यहाँ से जल्दी से अपने घर में जाती है, और शिखा के कपड़ों पर एंजल के खून के निशान लगे होते हैं। शिखा जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और बेड पर जाकर आराम से सो जाती है, पर पूरी रात शिखा के मन में वही भयानक दृश्य चल रहा होता है। अगले दिन सुबह के समय सैमुअल सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी कुछ पुलिस सैमुअल के दरवाजे की बैल बजाते हैं। सैमुअल भी उनसे पूछता है कि हाँ, आपको क्या चाहिए। तो पुलिस सैमुअल को बताते हैं कि आपकी वाइफ ने एंजल और ऑड्रा का खून किया है,
और उन दोनों की लाश पर आपकी वाइफ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ शिखा पुलिस से कहती है कि मैंने उन दोनों का खून नहीं किया। पुलिस तो दोस्तों शिखा की बात मानती नहीं और जबरदस्ती शिखा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब जेल में सैमुअल उससे मिलने जाता है। वहाँ शिखा कहती है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है सैमुअल, मुझे फंसाया जा रहा है। वो भी दोस्तों शिखा से वादा करता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल कर रहूंगा। फिर दोस्तों मार्टिन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं और मार्टिन अपने असिस्टेंट एडम के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहा होता है। मार्टिन एडम से कहता है कि देखो मुझे इस मर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब एडम मार्टिन को बताता है कि हमें शिखा नाम की एक लड़की पर शक है कि उसी ने एंजल और ऑड्रा का मर्डर किया है। तो मार्टिन कहता है कि सुनो मेरी बात, उस पर अभी शक है ना, तो जब तक असली गुनहगार का पता ना चल जाए तब तक शिखा को जेल में ही बंद करके रखो। यहाँ फिरोज मार्टिन से जाकर मिलता है और कहता है कि सर शिखा निर्दोष है और इसीलिए उसको जेल से छोड़ दीजिए। लेकिन मार्टिन वही बात कहता है कि असली खूने की मिलने तक शिखा को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिरोज लड़ पड़ता है कि अगर उसको नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं कोर्ट में शिखा के साथ लड़ूंगा, उसका केस मैं लड़ूंगा, और ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। इसके बाद एडम शहर के मेयर के पास जाता है और मेयर उससे कहता है कि मुझे शिखा से मिलना है। एडम भी चुपचाप मेयर को शिखा के पास लेकर आ जाता है। तब मेयर शिखा से पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? शिखा कहती है देखिए मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, जब तक मैं आपकी बेटी के पास गई तब तक वो मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ मेयर को शिखा की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था और इसीलिए वो शिखा से कहता है कि जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा ना वैसे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। ये सुनकर शिखा बहुत डर जाती है कि मैं करूं क्या अब, और रोते हुए मेयर से कहती है कि मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। मगर दोस्तों मेयर के अंदर तो बदले की आग चल रही थी। और जब रात के समय सैमुअल अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है तभी मेयर के गुंडे सैमुअल पर हमला कर देते हैं और वो गुंडे उसको बहुत बुरी तरह मारते भी है। लेकिन इतने में वहाँ पर एंथनी नाम का एक आदमी आता है। एंथनी सैमुअल को बचाने के लिए सारे गुंडों को मारने लगता है और जब सभी गुंडे चले जाते हैं तो सैमुअल एंथनी को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। अगली सुबह की बात है, सैमुअल पुलिस में जाकर गुंडों की कंप्लेंट कर देता है। तो मार्टिन सैमुअल से कह देता है कि अब अगर अगली बार वो गुंडे आपको मारने आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सैमुअल को अपनी बेटी की टेंशन होती है तो वो फिरोज के पास जाकर कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए और तुम प्लीज जल्दी से शिखा को जेल से छुड़वा दो कैसे भी करके। फिरोज भी कहता है कि देख भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे छुड़ाने की। अब दोस्तों सैमुअल अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तभी सैमुअल को रेस्टोरेंट में एंथनी बैठा दिखता है। वो सीधे एंथनी से मिलने जाता है और एंथनी वहाँ पूछता है उससे कि उस रात गुंडे तुम पर हमला करने क्यों आए थे। तब सैमुअल उसको सारी बात बताता है कि मेरी वाइफ के साथ इस तरह झूठा केस हो गया, उसे जेल में डाल दिया है और मेयर के गुंडे हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी और वाइफ को बचाना है बस। तब एंथनी कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को जेल से निकालने में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर दोस्तों वो चला जाता है। दूसरी ओर जेल में शिखा बैठी होती बेचारी, तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं। वो ऑफिसर शिखा को उल्टा लटका कर बहुत मारते हैं और ये सारी चीजें हो रही थी मेयर्स के कहने पर। पुलिस की मार खाने के बाद तो शिखा की हालत बहुत कमजोर हो जाती है और जब सैमुअल शिखा से मिलने जाता है ना तो शिखा की हालत देखकर सैमुअल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। वो भी उसको कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि फिरोज को किसी ने यहाँ मार दिया है। पुलिस वाले आकर फिरोज की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। साथ ही साथ मार्टिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर फिरोज को किसने मारा, इससे किसी का क्या लेना देना। फिरोज की मौत की खबर सुनकर सैमुअल और दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि दोस्तों फिरोज के ऊपर ही सैमुअल को सबसे ज्यादा भरोसा था। अब अगली सुबह सैमुअल एंथनी से मिलने जाता है। उससे कहता है वो कि मुझे किसी भी हालत में अपनी बीबी को बचाना है। एंथनी कहता है तुम एक बात बताऊं, पुलिस स्टेशन के नीचे एक डक्ट बना हुआ है और वहां से पाइप के जरिए हम शिखा को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए किसी को जेल के अंदर से शिखा की मदद करनी पड़ेगी। तब सैमुअल बताता है कि जेल के अंदर सोनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों एंथनी कहता है कि वो तो ठीक है, मदद तो हो जाएगी, लेकिन मैं किसी की भी मदद पैसे के बिना नहीं करता। सैमुअल कहता है तुम मेरी सारी दौलत ले लो कैसे भी करके, बस शिखा को जेल से आजाद करवाओ। आगे दोस्तों सैमुअल शिखा से जाकर कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें आजाद करने का प्लान बना रहे हैं और इस प्लान में ऑफिसर सोनी भी हमारी मदद करने वाली है। अब दोस्तों आगे एंथनी सैमुअल से एक चीज कहता है कि देखो शिखा जैसे जेल से भागेगी ना वैसे तुम्हें शिखा के साथ जल्दी से एयरपोर्ट जाना है और वहाँ तुम लोग हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर चले जाना, क्योंकि मेयर शिखा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इसीलिए युगांडा तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। सैमुअल अपनी बेटी मीना को स्कूल लेकर जाता है और साथ ही साथ सैमुअल को एक ऐसा भरोसेमंद इंसान चाहिए जो कि शिखा के जेल से छूटने तक उसकी बेटी का ध्यान रखे, इसलिए वो गौतम के पास जाकर उसे अपना प्लान बताता है। गौतम भी कह देता है कि तुम जो करने जा रहे हो ना उसमें बहुत रिस्क है भाई। सैमुअल कहता है कि अरे शिखा को अगर मैंने बचाया नहीं तो वो लोग तो वैसे ही उसको मार देंगे। ये सारी चीज सुनकर गौतम सैमुअल की मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। अब एंथनी उन दोनों से कहता है कि हमें संडे के दिन इस प्लान को अंजाम देना होगा। और दोस्तों यहाँ तीनों मिलकर अपने प्लान की तैयारी करने लगते हैं।
और इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को उनके प्लान के बारे में कुछ पता ना चले। अब एक दिन सैमुअल के घर पर मार्टिन आता है। उन दोनों के बीच दोस्तों कुछ बातें होती है और यहाँ मार्टिन ने सैमुअल से क्या कहा ये नहीं बताया जाता फिलहाल, लेकिन यहाँ पर एंथनी मार्टिन को सैमुअल के घर जाते हुए देख लेता है और वो सीधे आकर सैमुअल से पूछता है कि मार्टिन को हम पर शक हो गया मुझे लग रहा है। लेकिन सैमुअल कहता है नहीं, उसे शक नहीं हुआ है, वो तो बस कुछ पूछताछ करने के लिए आया था। दूसरी ओर दोस्तों जेल में पुलिस ऑफिसर्स एक कैदी को बहुत मारते हैं और उस कैदी की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर शिखा अंदर से बहुत डर जाती है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए और ये मुझे जान से न मार दे। यहाँ सैमुअल, गौतम और एंथनी अपने प्लान को पूरी तैयारी के साथ कर रहे होते हैं। गौतम सैमुअल की बेटी को अपने पास रखता है, जिसके बाद जेल में सोनी शिखा को एक ऐसा एंटीडोट देती है जिसको लेने के बाद इंसान आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाता है, और जैसे शिखा उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है तो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले फिर जल्दी से उसको आईसीयू रूम में लेकर जाते हैं। दूसरी ओर सैमुअल एक नकली एम्बुलेंस लेकर जेल के अंदर आता है, और दोस्तों यहाँ पर सैमुअल ने बिल्कुल नकली गेटअप किया था जिस वजह से पुलिस उसको पहचान नहीं पाती। इसके बाद एक ऑफिसर उस एम्बुलेंस में से दवाई के बॉक्स लेकर शिखा के रूम में जाता है, पर तब तक शिखा होश में आ चुकी थी और दोस्तों शिखा उस ऑफिसर को पीछे से मार डालती है। उसके बाद वो दवाई के बॉक्स को खोलती है तो दवाई के बॉक्स में सैमुअल ने मोबाइल रखा था। शिखा उससे बात करती है तो सैमुअल शिखा को जेल से भागने के रास्ते बताने लगता है। इसके बाद वो सीधे जेल के डक्ट से भागने लगती है। धीरे धीरे वो जेल के ऑफिसर से छुपते हुए जेल के पाइप से बाहर आ जाती है, और दोस्तों यहाँ सैमुअल और शिखा एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं। वो भागते हुए सैमुअल को गले लग जाती है। तभी पुलिस वाले शिखा और सैमुअल को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सैमुअल भी जल्दी से शिखा को लेकर वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में सैमुअल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। दूसरी ओर तभी मार्टिन सैमुअल के घर पर आता है। वहाँ पुलिस को एक मैप मिलता है और उस मैप में ही दोस्तों सैमुअल ने उस जगह को मार्क किया था जहाँ से वो लोग भागने वाले हैं, लेकिन मैप का एक हिस्सा गुम हो जाता है और काफी ढूंढने पर भी वो हिस्सा पुलिस को मिलता नहीं। तो यहाँ सैमुअल और शिखा बोर्ड के जरिए एंथनी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ वो एंथनी को देखकर बहुत डर जाती है। वो बताती है कि उस रात एंजल और ऑड्रा को मारने वाला ये एंथनी तो था। ये सुनकर दोस्तों सैमुअल की भी हालत खराब। तब एंथनी शिखा से पूछता है कि तुम्हें एंजल ने जो डायमंड्स दिए थे वो कहाँ पर है। शिखा बताती है कि वो डायमंड्स मेरे घर में है। एंथनी जल्दी से शिखा के घर पर जाने लग जाता है और यहाँ सैमुअल और शिखा जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। एंथनी को देखते हैं तो एंथनी को सैमुअल के घर पर डायमंड्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है और मार्टिन एंथनी को वो डायमंड्स देखकर अरेस्ट कर लेता है तुरंत। दोस्तों उस दिन जब मार्टिन सैमुअल से मिलने आया था तब मार्टिन सैमुअल को बता देता है कि एंथनी एक बहुत बड़ा चोर है और हाल ही में एंथनी ने कुछ डायमंड्स चुराए थे। तब सैमुअल ने उस समय बता दिया था कि मैं एंथनी को जानता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर एंथनी को पकड़ने का प्लान बनाया और आखिर में मार्टिन एंथनी को रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। साथ ही साथ दोस्तों एंजल ने जिस आदमी के डायमंड्स चुराए थे वो आदमी एंथनी ही था, और अपने डायमंड्स को पाने के लिए ही एंथनी ने एंजल और ऑड्रा को मार दिया था। यहाँ एयरपोर्ट पर गौतम मीना को सैमुअल के पास छोड़ देता है, जिसके बाद सैमुअल मीना और शिखा प्लेन से जाने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है, लेकिन सैमुअल अपने परिवार के साथ प्लेन से उड़कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस चाहकर भी उनको पकड़ नहीं पाती। दूसरी ओर हम मार्टिन को देखते हैं और मार्टिन के हाथ में उस मैप का आखिरी पन्ना होता है, और दोस्तों मार्टिन ने सैमुअल की मदद करने के लिए उस मैप का पन्ना फाड़ के रख दिया था, जिससे पुलिस पता न कर पाए कि आखिर सैमुअल और उसका परिवार कहाँ गया। और आखिर में पुलिस एंथनी को जेल में डाल देती है। इसी के साथ होती है मूवी खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।